सीकर की अगर आपको बात बताएं तो सीकर में खंडेला इलाके की महिलाएं मटका लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने पहुंची हैं। पेयजल की समस्या को लेकर खंडेला के ग्रामीणों की ओर से विरोध प्रदर्शन भी किया गया। ग्रामीणों ने समस्या का समाधान नहीं होने पर सीकर और जयपुर में बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। और इसी सिलसिले में, इसी श्रृंखला में आपको बताते चले, हमारे संवाददाता जो हैं जगदेव सिंह ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। जिले में पेयजल की बढ़ती समस्या को लेकर आज खंडेला के जो है काफ़ी ग्रामीण यहां पहुंचे हैं। इनकी पिछले लंबे समय से कई खंडेला के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे पानी की समस्या बनी हुई है, उसको लेकर के आज जो है ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं। और महिलाएं जो है मटके लेकर के, आपको दिखाना चाहेंगे, महिलाएं जो है मटके लेकर के यहाँ पहुँची है प्रदर्शन करने के लिए। और इनका कहना है कि पिछले लंबे समय से जो है पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, जिसके चलते आज उन्हें अंत में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने के लिए आना पड़ा है। और इनकी क्या मांग है, कितने समय से इनकी पेयजल की समस्या को लेकर बनी हुई है समस्याएं, क्या कहना है आपका? देखिए, खंडेला में जलदाय विभाग जो PST है, वहाँ एक तरह से अंधेरी नगरी चौपट राजा है। वहाँ के जो अधिकारी हैं वो मन मर्जी करते हैं। अगर आम आदमी ऑफिस में जाता है तो चपड़ासी भी अधिकारी बन जाता है और बाहर से भगा देता है। उनको पता है कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम तक ही आएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। खंडेला आप पूरा राजस्थान को पता है सबसे बैकवर्ड है। वहाँ 900 से 1000 फुट तक पानी का जो जलस्तर नीचे गिर गया है उसमें फ्लोराइड 95% पाया गया है। साथ ही अभी नई रिपोर्ट आई है उसमें यूरेनियम 0.03% पाया गया, जो कितना खतरनाक है। ये लोग वो पानी पी रहे हैं, उसके बावजूद वो पानी भी नहीं मिल रहा। जलदाय विभाग की मनमर्जी देखिए, आज जो निःशुल्क टैंकर लगा रखे हैं वो एक टैंकर वाला चार जगह एक ही टैंकर को खड़ा करके रिपोर्ट दे रहा है। उनको खुद को नहीं कितने टैंकर गिर रहे हैं। SDM साहब के यहाँ मीटिंग हुई तो खुद जैन साहब ने जवाब नहीं दे पाए। इस तरह से आप मान सके अंधेरी नगरी चल रही है। दूसरा मुद्दा हमारा है कि आज 2012 के अंदर पलसाना से खंडेला की जो रोड थी सिंगल रोड, वो डबल रोड बनी थी। उस समय 2010 में पानी आना बंद हो गया था, उस समय इनकी लाइन पड़ी थी। लेकिन जब 2011-12-13 में दोबारा सड़क को डबल बनाया गया, उस समय उस लाइन को ही उखाड़ दिया PWD वालों ने। उसके बाद 10 साल तक कोई मतलब नहीं। 2023 जुलाई के अंदर जब नई पाइपलाइन डाली गई, इन्होंने कनेक्शन लेने गए, तो पिछले 10 साल का बिना पाइपलाइन मौके पर है ही नहीं। पाइपलाइन पानी आया ही नहीं। और इनको 30-30, 20-20 हज़ार के मेरे पास सबूत है, मैं बता सकता हूँ कि इनको बिल दे दिया। जब हमने इसको लेकर SDM साहब के यहाँ घेराव किया तो इनके अधिकारियों ने, जैन साहब उस समय के खुद, उन्होंने स्वीकार किया मीडिया के सामने कि हमारा डिपार्टमेंट नहीं, गलती है, मौके पर पाइपलाइन नहीं है सर, और ये गलती से आ गए, उसका सुधार करेंगे। लेकिन आज तक सुधार नहीं किया। और अब बार बार हमें नोटिस देते हैं, तब हम उपखंड कार्यालय पर फिर धरना देते हैं। और अब SDM साहब ने ऊपर हाथ कर दिए कि मेरे बस की बात नहीं, आप उच्च अधिकारियों से गुहार लगाओ। माता जी, आप इतनी दूर से यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए हो, क्या मांग है, क्या किस लिए आए हो यहाँ? मेरे तो कुंभा बाड़े को ना मेरे तो बिल का 50-60 हज़ार रुपया आ रहा जी, बंद कैसे चुकाऊं मैं? पानी आ रहा है क्या रोज आपके यहाँ, क्या समस्या है? सड़क कट गई, कितने टाइम से परेशानी है? सड़क कट गई, कितने टाइम से परेशानी है पानी की? 10 साल हो गई। 10 साल से परेशान हो? कोई निदान नहीं है ना? मैं तो बाहर से भरा हुआ था, 10-10, 15-15 रुपया में 20 पानी पिया था। इलाके के ग्रामीणों को जो है पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए अपने स्तर पर जो है पैसे दे करके है पानी की समस्या से निदान जूझना पड़ रहा है, पानी की समस्या से निदान ये कर रहे हैं। अपने स्तर पर ही इनका प्रयास लगातार है, लेकिन जिला प्रशासन और जलदाय विभाग की ओर से अभी तक पानी की समस्या का आज तक निदान नहीं हुआ, जिसके चलते आज इन्हें जिला कलेक्ट्रेट पर जो है प्रदर्शन करने के लिए आना पड़ा। सीकर से NDTV के लिए जगदेव सिंह।